नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह रचनात्मक क्षेत्र में सक्रिय मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक रहने वाला है। आपके रचनात्मक विचारों की सराहना की जाएगी और आपकी प्रतिभा को आपके वरिष्ठों द्वारा मान्यता मिलने से पदोन्नति के चांसेस बन रहे हैं। हालांकि रिश्तों के मामले में आपके गुस्से और दबाव के कारण चुनौतियां हो सकती हैं। इस सप्ताह अवसरों से चूकने से बचने के लिए अपने साथी के साथ गलतफहमियों को सुलझाने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि वाले वर्तमान समय में कठिन समय का सामना कर रहे हैं। कमजोर शुक्र के कारण उनके प्रेम जीवन और आराम में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद आशावादी बने रहना, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना और फास्ट फूड के सेवन से बचना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार को दही खाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वाले छोटे मोटे स्वभाव और आक्रामकता का शिकार हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में खलल पड़ सकता है। ध्यान करने, खुशी लाने वाली गतिविधियों में शामिल होने और अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपने संचार कौशल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहनें और भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि वालों को अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इन जातकों की आवाज़ ऊंची हो सकती है, जिससे इनके संबंध खराब हो सकते हैं। स्वर स्वार्थी और दबंग के रूप में आ सकता है। पवित्र स्थान या मंदिर में बिताया गया समय विकास और प्रेरणा ला सकता है। रिश्तों में मतभेद पैदा हो सकते हैं और आक्रामकता हो सकती है। आक्रामकता को कम करने और राहत पाने के लिए मंदिर जाने की आपको सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें और ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह सिंह राशि वालों के पास धन कमाने और अपने धन को स्थिर करने के पर्याप्त अवसर होंगे। नई नौकरी की तलाश के अवसर आपको मिल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। विवाहित जीवन में प्यार और समझ के साथ संघर्षों का समाधान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय के तौर पर उगते सूर्य को जल अर्पित जरूर करें। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वाले भ्रम का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वे बुद्धि से अपने खर्चों को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। करियर के लिहाज से चुनौतियां पैदा हो सकती हैं और यात्रा या लंबे सप्ताहांत से ऊर्जा को फिर से जीवंत करने में आपको मदद मिल सकती है। उपाय के तौर पर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि वाले अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताना या खुशी लाने वाली गतिविधियों में शामिल होना प्रोत्साहित कर सकता है। इस सप्ताह में मनोगत और ज्योतिष जैसे अध्ययन में भी आप शामिल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनें और प्रतिदिन महारुद्र मंत्र का जाप जरूर करें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी चिंता के लिए तुरंत चिकित्सीय ध्यान लेना चाहिए। अचानक लाभ और रिश्तों में सुधार का अनुमान है। उपाय के तौर पर मंगलवार को लाल रंग का कपड़ा पहने और हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि वाले एक व्यस्त सप्ताह की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें उनका काम बढ़ने वाला है और काम के लिए यात्राएँ भी हो सकती हैं। विवाहित जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है और सद्भाव बनाए रखने के लिए आक्रामकता को नियंत्रित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाना उचित होगा। उपाय के तौर पर माथे पर चंदन का लेप लगाएं और भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें। मकर राशि की अगर बात करें तो ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए व्यस्त कार्यक्रम लाता है, जो धन कमाने के अवसर प्रदान करता है। फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है और काम पर सहकर्मियों के साथ आपका संघर्ष हो सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय के तौर पर जीवन में समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। कुंभ राशि की बात करें तो ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहेगा। आप अपने व्यापार का विस्तार करने और अपने लाभ बढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपको किसी प्रकार का दर्द महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उपाय के तौर पर शनिवार का व्रत रखें और शनिदेव की पूजा ज़रूर करें। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में।
मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह औसत रहने वाला है। आपको अपने काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपके विरोधी आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके विवाहित जीवन में संघर्ष हो सकते हैं लेकिन आपके प्यार और प्रयास से वो जल्दी ही हल हो जाएंगे। बढ़ते खर्चों के प्रति सचेत रहें और अनावश्यक खरीदारी को नियंत्रित करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हरि स्त्रोत्र का जाप जरूर करें। राधे राधे।